बहुत ही मशहूर ते प्रसिद्ध गायक सन सिद्धू मूसेवाला, जिसका दिन दिहाड़े अज कतल कर दिता गया। पंजाब की धरती ते सानू शक पैंदा कि फिर तो खूनी दौर ना शुरू हो जाए, कि जिवें लोग जाके ग्लैमर की दुनिया चले जाते हैं ना, तो अपने केस कटवा लेंदे ने। उस नौजवान नू आफरीन है, उसने गुरु की बख्शी हुई दस्तार नू नहीं त्यागी, तो अपने नौजवानों नू दस्तार की प्रेरणा देता रहा। उसका इस तरह दिन दिहाड़े कतल हो जाना अत दुखदाई गल है। भावें मैं पहले मीडिया वालियां नू भी ये गल कही है कि किते ऐसा ना हो जाए फिर तो पंजाब का माहौल खराब हो जाए। पहले सिक्योरिटियां वापस लईयां, फिर वो लिस्टां सोशल मीडिया ते पा दित्तियां। एक तरह नाल क्रिमिनल लोगों नू सद्दा दिता गया बई हुण निहत्थे हो गए ने ते आके मार जाओ। और जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी का ये बयान कि अपनी हिफाजत आप करो, अज सामने दिखाई पै रहा। भावें सारी दुनिया लई ये बोल संजे हैं, पर खास करके पंजाब च रहन वाले उन्हां पंजाबी लोगों लई जिन्हां दी जिहड़ी सुरक्षा है खतरे विच बन गई। सिद्धू मूसेवाले दे कतल तो बाद पंजाब समेत दुनिया भर विच उसदे चाहण वाले अजे भी यकीन नहीं कर रहे कि मूसेवाला सच्ची दुनिया ते नहीं रहा। पंजाब दी सियासत तो लैके सोशल मीडिया तक सिर्फ सिद्धू मूसेवाला ही चर्चा का विशा बनया होया। उत्थे ही तख्त श्री पटना साहब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह वल्लों तख्त साहब विखे कथा करते हुए सिद्धू मूसेवाले का जिक्र करते लोगों को अपील की है कि लोग अपनी सुरक्षा हुण आप ही करन, क्योंकि सरकारां लोगों की सुरक्षा करन विच नाकाम साबित हुई ने। ज्ञानी रणजीत सिंह ने जथेदार हरप्रीत सिंह के बयान का हवाला देंदे कहा कि अजे कुछ दिन पहला ही ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी लोगों नू अजिहा ही कहा ही कि लोग अपने कोल शस्त्र रखन, क्योंकि समा अजिहा आ रहा है। बहुत ही मशहूर ते प्रसिद्ध गायक सन सिद्धू मूसेवाला, जिसका दिन दिहाड़े अज कतल कर दिता गया। पंजाब की धरती ते सानू शक पैंदा कि फिर तो खूनी दौर ना शुरू हो जाए। जदों लोकी अपने घरां चों बाहर नहीं निकल सकते सन, पहले सारिया सिक्योरिटियां वापस लईयां, तो फिर अगले दिन ही उहदा कतल हो गया। हले उहदी उम्र 26-27 साल सी, नौजवान सी, हले आनंद कारज भी नहीं होया सी, पर उसकी एक गल देखण वाली रही कि जिवें लोग जाके ग्लैमर की दुनिया चले जाते हैं ना, तो अपने केस कटवा लेंदे ने। उस नौजवान नू आफरीन है, उसने गुरु की बख्शी हुई दस्तार नू नहीं त्यागी, तो अपने नौजवानों नू दस्तार की प्रेरणा देता रहा। उसका इस तरह दिन दिहाड़े कतल हो जाना अत दुखदाई गल है। भावें मैं पहले मीडिया वालियां नू भी ये गल कही है, एक सारी दुनिया नू मैं दोहराण देना चाहता हाँ कि किते ऐसा ना हो जाए फिर तो पंजाब का माहौल खराब हो जाए। पहले सिक्योरिटियां वापस लईयां, फिर वो लिस्टां सोशल मीडिया ते पा दित्तियां। एक तरह नाल क्रिमिनल लोगों नू सद्दा दिता गया बई हुण निहत्थे हो गए ने ते आके मार जाओ, आके कतल कर जाओ। ये बहुत वड्डी जिम्मेवारी बन गई है। और जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी का ये बयान कि अपनी हिफाजत आप करो, अज सामने दिखाई पै रहा है। वो रोशन दिमाग ते रोशन जमीर हैं श्रीमान सिंह साहब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। उन्हां दा दो तीन दिन पहले ही बयान आया सी कि अपनी हिफाजत आप करना सीखो, किसे ते ना छड्डो। मैं बेनती करना चाहुंदा हाँ तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब की धरती तो कि अपनी अपनी हिफाजत आप करन दे भी प्रबंध करो, और महाराज जी दे चरना कमलां च अरदास करो। भावें सारी दुनिया लई ये बोल संजे हैं, पर खास करके पंजाब च रहन वाले उन्हां पंजाबी लोगों लई जिन्हां दी जिहड़ी सुरक्षा है खतरे विच बन गई, वह अपनी अपनी जरूर हिफाजत का ख्याल रखण और अपने प्राणा की राखी करन। दुखियां का पता नहीं होंदा कदों की हो जावे। महाराज सच्चे पातशाह यही कह रहे पे कहें पे हैं कि जेड़े दुखी हैं गुरु घर के सिद्धांत दे
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਿਲੰਦ।